हेडिंग डालते हैं बॉन्ड एंगल। पहले तो ये समझते हैं कि बॉन्ड एंगल है क्या, हम कहाँ मेजर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड एंगल मेजर करने के लिए हमें एटलीस्ट तीन न्यूक्लियाई चाहिए रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट फॉर कैलकुलेट बॉन्ड एंगल वी नीड थ्री न्यूक्लियाई। मुझे तीन न्यूक्लियस की जरूरत होगी होगी, दो से नहीं पता लगा सकता, दो से तो खैर क्या बताओगे। आज आप सोचो कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, क्या इससे बॉन्ड एंगल बता पाओगे? नहीं पक्का। एक और न्यूक्लियस चाहिए, हाँ अब आप बता सकते हो कितना बॉन्ड एंगल है इसका, 180 डिग्री। बिल्कुल, ये तीन न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अब बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो न्यूक्लियस से पता लगता है कि तीन एटम है, समझ में आ गया। तो ये बहुत सही है कि आपको तीन एटम चाहिए। मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, ए बी सी, तीन एटम है। तो अब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बी ए सी, इसको बीच में रखेंगे जिसके अराउंड आपको निकालना है, पढ़ेंगे ऐसे। या आप इसको क्या बोलेंगे, सी ए बी, पक्का। इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको ए सी भी बोल सकते हैं? नहीं, ए सी भी बोल दिया तो इसका मतलब आपने गलत बोल दिया। अगर किसी ने इसको लिख दिया ए सी बी तो इसका मतलब वो गलत है, पक्का। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल है क्या। एक और है, एक ने कहा मेरे पास ए है, ये बी है और एक तरफ मेरे पास लोन पेयर है, तो क्या मैं इसको बॉन्ड एंगल बोल सकता हूं? नहीं, इसको भी बॉन्ड एंगल बोलना बेवकूफी है। ये भी बॉन्ड एंगल नहीं होगा। आपको तीन न्यूक्लियस चाहिए, लोन पेयर के पास न्यूक्लियस नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि बॉन्ड एंगल हमें पढ़ना कहाँ होता है, ठीक है। यानी हम बॉन्ड एंगल पढ़ते हैं ट्राई एटॉमिक स्पीशीज, डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए बॉन्ड एंगल नहीं है। इन सिंपल वर्ड, बॉन्ड एंगल डिफाइन फॉर ट्राई या ट्राई और मोर एटॉमिक स्पीशीज। ये हमारे पास दिमाग में आना चाहिए। अब ट्राई एटॉमिक या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा? अब हमारे पास आ जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। हेडिंग चेंज हो गया हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। सबसे पहले हमारे पास आएगा ए, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, आप जानते हैं। इसके अंदर भी हम बात कर सकते हैं, एसपी हाइब्रिडाइज्ड किस तरह के होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल या जो भी हम बात करते हैं स्पीशीज आर लीनियर। और लीनियर है तो बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज आर ट्राइगोनल प्लेनर,
बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज आर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल आपके लिए क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप क्या पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर एक बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं इस जगह हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के साथ बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है। और आप देख लीजिए यहां दो में एक एस था, 50% एस है, 33% है एस, और यहां 25। तो जैसे जैसे एस करेक्टर कम हो रहा है बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहां बोल सकता हूं इसी के लिए कि बॉन्ड एंगल की पॉइंट, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस करेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज पी करेक्टर। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, और दस ये हमारे रहा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या इफेक्ट ऑफ एस करेक्टर। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है मेरे पास वो आएगा इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर पे वर्क करेंगे हम, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, एलपी का मतलब लोन पेयर, सही है। इफेक्ट ऑफ लोन पेयर में हम बात करेंगे इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे क्या वो सेम है या नहीं है, और अगर वो सेम है तो फिर हम आगे सेकंड स्टेप में जाएंगे। इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल सेम तो हमारे पास आएगा बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल, लोन पेयर बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। क्यों हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, क्यों ऐसा क्यों, उसके लिए पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर, और एग्जांपल भी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने नाइट्रोजन ले लिया एक लोन पेयर, फिर मैंने ऑक्सीजन ले लिया दो लोन पेयर। क्या आप जानते हो यहां बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट का मतलब होता है 5.5, 30 मिनट का 0.5 होता है, 60 मिनट की 1 डिग्री होती है। तो यहां 107 हो गया, कितना डिग्रीज हुआ, 2.5, फिर 2.5 खत्म कर दो तो 104.5। तो हर एक लोन पेयर आने के कारण यहां पर 2.5 हो रहा है, हमेशा होगा नहीं मालूम लेकिन यहां तो हो रहा है। चलिए मैं समझाता हूं, तो पहले तो ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ मैं जो बोला वो सही है, लेकिन उसके पीछे फिजिक्स कैसे समझाती है उसको समझते हैं। देखिए ये कहती है, मतलब रीजन क्या है उसके पीछे वो चीज समझते हैं। देखिए तो एक्सप्लेनेशंस, हम ये मानते हैं कि बॉन्ड एंगल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसमें रिपल्शन सबसे कम हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है वो होता है लोन पेयर वर्सेस लोन पेयर रिपल्शन, फिर होता है यानी रिपल्शन फोर्स, फिर होता है लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है आपके पास बॉन्ड पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर। तो जब मैं यहां देखता हूं तो यहां तो कोई सारे रिपल्शन बराबर है, तो ये अपने आप में एक रेगुलर शेप रखता है और वही बॉन्ड एंगल रखना है जो इसको रखना चाहिए, लेकिन यहां पर
आप खुद देखिए, ये वाला रिपल्शन थोड़ा सा क्या होगा, लोन पेयर, ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा किससे, इस वाले रिपल्शन से। तो F1 और F2 की बात करें तो लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर ज्यादा होगा, तो ये दबाएगा तो एक दबाएगा, एक एंगल बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। लेकिन क्योंकि इसको बॉन्ड एंगल नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया तीन न्यूक्लियाई के एंगल को ही बॉन्ड एंगल, यहां पर एक दो तीन, इसको बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी F2 से, यहां पर तो ये बहुत ज्यादा दबाएंगे F1 और ये मान लीजिए F2, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यहां पर तो F1 बहुत ज्यादा है F2 से, क्यों, क्योंकि रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर, लोन पेयर। तो एक रिपल्शन बढ़ेगा तो एक को दबना पड़ेगा, और जब दबेगा तो हम बॉन्ड एंगल तो इसको बोल रहे हैं, इस वजह से हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर एंगल कम है। तो कहीं ना कहीं हमारा रीजन ये सही है जो हमने बताया है, मोर लोन पेयर मोर रिपल्शन लेस बॉन्ड एंगल। तो फाइनली यही निकलता है, मोर लोन पेयर मोर रिपल्शन लेस बॉन्ड एंगल। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दिया जाए। हम एक और केस कंसीडर कर रहे हैं, और वो ये है कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, सराउंडिंग एटम का क्या इफेक्ट रहेगा, नहीं सराउंडिंग एटम भी चेंज हो रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट करेगा। थर्ड इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग से पहले मैं सेंटर एटम लिख देता हूं, सेंटर एटम, इफेक्ट ऑफ सेंटर एटम। सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, लोन पेयर चेक करो, ये बराबर होने चाहिए। इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर आर सेम, देन बॉन्ड एंगल प्रपोर्शनल। अब यहां पर आएगा 1/ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, सीए का मतलब सेंटर एटम, लिख लीजिए। एग्जाम्पल कैसे समझ में आ रहा है इसके लिए, देखिए मैंने ले लिया ये ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, सबके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, पक्का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सेंटर एटम की है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, गलत हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली नहीं है, डायरेक्ट है। तो क्या ऐसा हो रहा है, यहां पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पास में है, किसके, ऑक्सीजन के, यस और नो, थोड़ा दूर हो जाएंगे, थोड़ा और दूर हो जाएंगे, जैसे जैसे सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी दूर होते चले जाएंगे। तो यहां जो पास में है तो लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम। मान लीजिए यहां F1 फोर्स है, यहां F2 है, यहां F3 है, यहां F4 है, कौन सा रिपल्शन फोर्स इन दोनों के बीच में, तो आप ही बताइए, जितनी ज्यादा, जितना लोन पेयर दूर होगा सेंटर एटम से, बहुत ज्यादा दूर है, तो रिपल्शन फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, कम होगा, हाँ या ना। तो बॉन्ड एंगल, इसमें रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा है F1, सबसे ज्यादा है F2, F2 सबसे ज्यादा है F3, फिर F4।
तो आप बता सकते हो कि बॉन्ड एंगल का भी थीटा वन सबसे ज्यादा होगा, फिर थीटा टू, फिर थीटा थ्री और सबसे कम थीटा फोर, अगर बॉन्ड एंगल में कौन सा ज्यादा होगा बेटा, क्यों ज्यादा होगा आप? तो दूर है, कौन सा दूर है? दूर तो ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है? अगर ये ऐसे समझना, यहां है लोन पेयर, लोन पेयर सेंटर एटम से दूर है, तो दूर है तो रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा? इतना ही रहेगा। लेकिन अगर ये मेरे लोन पेयर यहां होते, आज इस जगह होते, तो ये रिपल्शन इस तरह से कर देता और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता, बढ़ जाता। जितना मेरे पास है तो बढ़ जाता वो, और बढ़ जाता तो आपके लिए थीटा वन क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं और एग्जाम्पल भी दे रहा हूं साथ के साथ। तो आपके लिए यहां पर क्या होगा, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, ये हो रहा है। लेकिन साथ के साथ एक की पॉइंट और आ रहा है आपके पास, वो की पॉइंट हम सब लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम भी सेम रखना पड़ेगा, एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम लोन पेयर, देन मूविंग डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। अगर तीनों चीजें सेम है तो इसका मतलब सेंटर एटम क्या होगा, सेम सेम ग्रुप का होगा, सेम ग्रुप ऑफ सेंटर एटम, देन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। एक एग्जांपल तो आपके पास था ही, एक और ले रहा हूं, NH3 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। बॉन्ड एंगल अगर आप बात करेंगे, आपको सारे बॉन्ड एंगल नहीं याद करने, लेकिन इतना तो मालूम है कि ये 107 होता है, सबसे ज्यादा यही होता है, ये तो बहुत कम होता है, और लास्ट तक आते आते प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही आ जाता है, हमने ये भी पढ़ा था, 90 डिग्री। कोई दिक्कत आपको समझने में? बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें देखो बेटा, हम ये बोलते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, ये नहीं रखते, ठीक है? यही बोला था हमने ड्रेगोस के, कुछ भी नहीं, तो सब में सिग्मा बॉन्ड सेम है, सेम लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो ही नहीं हुई, ठीक है? बोलो यस और नो, तो बाकी सारी चीजें सही है, तो सेम ग्रुप भी आ जाएगा, सब कुछ सही है, आप लिख लो। और कोई डाउट नहीं है? मैं ये जरूर कह रहा था कि ड्रेगोस रूल हम पढ़ चुके हैं, और हमने कहा था इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ठीक है? लेकिन बॉन्ड एंगल बताते वक्त हम वेस्पर थ्योरी ही लेंगे, और ये मानेंगे कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत कम है, लेकिन 92 है, 92, 91.5, 91, 90.5, समझ में आ गया? तो कम तो हुआ है। तो ये हमारे पास हुआ पॉइंट, मोर लोन पेयर 10। अब अगली बार हमारा जो पॉइंट आएगा, सराउंडिंग एटम और सेंटर एटम, हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम। अगर हम सेंटर एटम और सराउंडिंग एटम भी दोनों ही चेंज करेंगे एक साथ, तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते, फिर डाटा बेस हो जाएगा। तो अगला हेडिंग क्या डालेगा आपके पास, अगला पॉइंट है
नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम और ग्रुप, सराउंडिंग एटम ऑब्लिक ग्रुप, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम और ग्रुप, यानी सराउंडिंग एटम और ग्रुप कुछ भी चेंज हो रहा है तो फिर आप कैसे देखेंगे। यहां आपको क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम सेम। हम लोन पेयर सेंटर एटम के देखते हैं, सराउंडिंग एटम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम सराउंडिंग सेंटर एटम, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, और अब हमारे पास सेंटर एटम भी सेम है एंड सेंटर एटम इज सेम, बस सराउंडिंग एटम अलग अलग है। तो सराउंडिंग एटम अलग अलग है तो दो बातें हो सकती है, बट डिफरेंट सराउंडिंग एटम, डिफरेंट सराउंडिंग एटम, ऐसे का मतलब सराउंडिंग एटम। तो यहां दो बातें होंगी सराउंडिंग एटम के बारे में, फर्स्ट सराउंडिंग एटम इज स्मॉलर और इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल साइज ऑफ सेंटर एटम, तो अलग बात लगेगी, और सराउंडिंग एटम इज बिगर ऑफ सेंटर एटम, तो अलग बात लगेगी। सराउंडिंग एटम ऑब्लिक ग्रुप भी आ सकता है, यहां पर ग्रुप हमेशा बड़े होते हैं, ग्रुप का मतलब जैसे OCH3, C2H5, C3H7, ये सब ग्रुप है, एक एटम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है। सेंटर एटम तो एक ही होगा, लेकिन सराउंडिंग एटम तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, अटैच हो सकता है, बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, तो वाली बात है। स्मॉलर सराउंडिंग एटम इज स्मॉलर, और ग्रुप तो हमेशा बड़े ही होते हैं, ग्रुप का मतलब बहुत सारे एटम का गुच्छा पैक। सराउंडिंग एटम इज स्मॉलर और अप्रोक्सीमेट इक्वल साइज ऑफ सेंटर एटम, तो हमें कैसे पता चलेगा ये इक्वल साइज है, सेम ग्रुप या लोअर ग्रुप का हुआ सराउंडिंग एटम, लोअर ग्रुप का तो वो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़े ग्रुप का है नीचे की तरफ है तो वैसे ही बड़ा हो गया। जैसे ब्रोमीन के लिए क्लोरीन छोटा है या बड़ा है, छोटा है, और ब्रोमीन के लिए आयोडीन क्या होगा, बड़ा होगा। आयोडीन के लिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों ही क्या होंगे, छोटे होंगे, बोलो यस और नो आयोडीन के लिए, लेकिन फ्लोरीन के लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब बड़े होंगे, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन के लिए फ्लोरीन या फ्लोरीन के लिए ऑक्सीजन बराबर साइज के होंगे, अप्रोक्सीमेट सेम ग्रुप के, तो समझ में आई बात, तो यही चीज है। अगर यहां पर ये चीज आ रही है तो आपके लिए बहुत इजी है, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और ये चीज आ रही है तो बॉन्ड एंगल, यहां पर एक ही चीज लगेगी, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल साइज, कुछ मत सोचो, साइज ऑफ एटम, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है, एटम और ग्रुप। तो पहले तो आपको देखना है क्या चीज चलेगी, ऐसे ही क्लियर है पक्का। तो मैं आपको यहां पर दो अलग अलग केसेस करने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं, दो अलग अलग एग्जांपल
फर्स्ट मेरे पास ऑक्सीजन है और मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन फ्लोरीन लिया, दोनों के पास पहले आप क्या देख रहे हैं, क्या ये यही कैसे? हाँ, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंटर एटम सेम है, पक्का? लेकिन अब ये केस तो है, इनमें कौन सा केस है, ए या बी? ए, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से छोटा है और फ्लोरीन भी ऑक्सीजन के लगभग बराबर है, बड़ा तो नहीं है, तो कौन सा केस लगेगा? ए। ए लगने के साथ ही यहां पर लोन पेयर यहां आ जाएगा और यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां आएगा। तो अब आप मेरे को बताइए, F1, F2, F1 ज्यादा होगा F2 से, तो θ1 इज मोर देन θ2, सिंपल है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इसकी ज्यादा है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही कम होगा, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन। अब यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ही सेंटर एटम से बड़े हैं, कौन सा केस लगेगा? ये वाला, दो बड़े एटम रिपेल करेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ा देंगे, बढ़ा क्या देंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे, ये तो लोन पेयर रिपल्शन से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा 109 से भी बढ़ जाएगा। तो अगर यहां पर बॉन्ड एंगल का कंपेयर करें, बॉन्ड एंगल ये करीबन 110, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, तो ये है हमारे पास गणित, कोई दिक्कत? तो यहां आपके पास बहुत सही आ गया। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहा बॉन्ड एंगल का, की पॉइंट बहुत अच्छा है, सबसे कम किसका होगा, H2O और HF2 में, मेरे ख्याल से F2O का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा H2O का, उससे ज्यादा उल्टा बता रहे हैं, ज्यादा की तरफ ये साइन लगेगा, फिर उससे ज्यादा होगा 109 डिग्री 28 मिनट, फिर उससे ज्यादा होगा OCl2, फिर उससे भी ज्यादा होगा OBr2, और उससे भी ज्यादा होगा OI2, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक और पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है, यहां पर बात आ रही है H2O की, H2O से ज्यादा होगा ROH, एल्कोहल, एल्कोहल से ज्यादा होगा ईथर, जैसे जैसे, और ईथर में भी आर ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही ज्यादा होगा बॉन्ड, एल्कोहल और वाटर दोनों के ही बॉन्ड एंगल 109 से कम है, लेकिन ईथर का ज्यादा है, तो आप इसको 109 डिग्री 28 मिनट और उससे भी ज्यादा होगा ROR, ईथर। तो ये आपके पास रहा पूरा बॉन्ड एंगल का चैप्टर, समझ में आ गया, लिखें इसको। देखिए ध्यान रखना, OI2 का सबसे ज्यादा होगा रिपल्शन, सबसे ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी के सबसे ज्यादा होगा, यहां एरो सही करें, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, मैंने यहां सही लिखा है, सही है, तो यहां बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा होगा, या सुनो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक और पॉइंट हमारा इंतजार कर रहा है, वो बहुत ही प्यारा पॉइंट है, और वो है हम दो तरह की ज्योमेट्री बोलते हैं, एक रेगुलर और एक डिस्टॉर्टेड। तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो भी आप बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर हमारे लिए दो तरह की होगी, या शेप,
एक होती है रेगुलर और एक होती है डिस्टॉर्टेड। तो रेगुलर शेप के अंदर क्या होता है, पक्का रेगुलर शेप के अंदर हम बोल सकते हैं रेगुलर के शेप ऑल सराउंडिंग एटम एटम्स आर सेम एंड नो लोन पेयर, यानी विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर को हम रेगुलर शेप बोलते हैं, सही है। और जब कोई कंपाउंड रेगुलर है और उस पे लोन पेयर नहीं है, तो ये सारे लास्ट वाले आर्टिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग, ये सब एप्लीकेबल नहीं होते, इनके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। फिर देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन हाइब्रिडाइजेशन, तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे ही डिपेंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ओनली ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेंगे और कोई फैक्टर नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे किसी ने पूछा बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, बी आई बी बी आर थ्री, बी आई थ्री में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, बॉन्ड एंगल ऑर्डर, हम समझ गए हमें इस एंगल, इस चीज को ध्यान रखना है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है इसके अंदर और कोई लोन पेयर नहीं है किसी में भी, तो बॉन्ड एंगल डिसाइडेड बाय ओनली हाइब्रिडाइजेशन। और क्या यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाँ, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा सेम। तो क्या लिखोगे, रीजन ऑल आर रेगुलर स्ट्रक्चर एंड गेटिंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, सो सेम बॉन्ड एंगल, इनमें ये कोई आर्टिकल नहीं लगेंगे, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टॉर्टेड में इफ एनी वन सराउंडिंग एटम और विद लोन पेयर देन कॉल्ड डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड या डिस्टॉर्शन स्ट्रक्चर, और फिर हमारे सारे रूल एप्लीकेबल होंगे लास्ट तक। समझ में आ रहा है, जैसे NH3 और PH3 क्यों, सेम हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया डिस्टॉर्टेड हो गया, उसका इफेक्ट आएगा, उसी की वजह से बॉन्ड एंगल अब फिक्स नहीं रहेगा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर आ गया फिक्स नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, फिर तो बहुत सारे फैक्टर आ गए, और साइज वाला फैक्टर तो लगेगा ही नहीं, साइज वाला फैक्टर लगता है सराउंडिंग एटम पे, सेंटर एटम पे साइज वाला फैक्टर नहीं लिखता, लिख लो यहां दोनों जगह सराउंडिंग एटम सेम है और सेंटर एटम अलग है, तो जब सराउंडिंग एटम सेम और सेंटर एटम अलग हो, सॉरी सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है सेम है और सेंटर एटम अलग है, तो साइज फैक्टर नहीं लगेगा, लिख लो, अपन ने लिखा भी नहीं था, मैंने केस लिया था, यह सुनो, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NH3 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, और मूविंग डाउन द ग्रुप मैंने लिखा था, मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके लिए आ गया, बहुत अच्छा। तो अब आप मुझे बताइए एक और एग्जाम्पल, अच्छे से बताइएगा, सोच के बताइएगा,
CCl4, CF4, CCl4, CBr4, CI4 और CH4 में कंपेयर करो बॉन्ड एंगल, बराबर होगा। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? क्यों? क्योंकि सब रेगुलर टेट्राहेड्रल है, बिकॉज ऑल आर रेगुलर, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, सराउंडिंग एटम सब में सेम है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। इसके लिए इसी के सराउंडिंग एटम देखो क्या है, हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन ही है, सेम ही तो है। उसके लिए चारों फ्लोरीन है, सेम ही है उसके। अरे बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जितना फोर्स इधर से लगेगा इधर उतना ही लगेगा, और उधर आयोडीन, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में? सेम है F1 और F2, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वो है, ठीक है? तो जब फोर्स ही सेम होगा, भले वो ज्यादा है किससे, इस वाले से, लेकिन यहां सभी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल यहां पर भी कितना होगा, सेम। यहां सभी जगह कम है, सही है? तो कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। और कोई डाउट? लिखें इसको। हम यहां डिस्कस करने वाले कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स में बॉन्ड एंगल्स को देखते हुए। हमें पूरी थ्योरी मालूम है, लेकिन उस थ्योरी को लगाना सीखना है हमारे को। तो सबसे पहले अमोनिया, आपको क्या लग रहा है, क्या यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3, लेकिन यहां पर लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो इस वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, एक बॉन्ड एंगल होती 109.5 से कम हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? अमोनियम आयन में, सही है। BeCl2 और BeCl3 दोनों ही रेगुलर शेप है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp, और यहां sp2। रेगुलर शेप होने की वजह से यहां पर 180 डिग्री रहेगा और यहां पर 120 डिग्री रहेगा, 180 120 से बड़ा होता है, सही है? तो ये हमारे लिए बॉन्ड एंगल का एक और पॉइंट हो गया। नेक्स्ट PS3, PF3, PCl3, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ेगी बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रैक्टिकल डाटाज मैंने लिख दिए, वो भी इसी तरह के वैल्यूज को बता रहे हैं, कोई दिक्कत? तो यानी PCl3 में जितना सराउंडिंग एटम की साइज बड़ी होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल बड़ा होता चला जा रहा है। NH3, NF3, NCl3, यहां हमारे पास अंतर आएगा। NH3, NF3 यहां बराबर साइज है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बहुत कम है और सराउंडिंग एटम की कम होती है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सराउंडिंग एटम की ज्यादा है। और यहाँ तो साइज ही, यहाँ साइज वर्क करता है, आपको मैंने पहले ही बताया, अगर छोटे एटम पे बड़ा एटम अटैच करेंगे तो साइज आएगा और बॉन्ड हिंड्रेंस आपको क्रिएट होगा, या एटम हिंड्रेंस बोल सकते हो। तो छोटे एटम पे बड़ा एटम अटैच होना बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा NCl3, फिर उसके बाद NH3, फिर NF3 रहेगा आपका। बहुत अच्छे है, आप इनको एक दो बार और ढंग से करिएगा। हाँ कोई डाउट? इधर देखिए, एक बार और समझाना है बेटा। यहां पर फास्फोरस, और देखिए फास्फोरस में अगर हम बात करें, बिल्कुल सही है कि अप्रोक्सीमेट सेम है, लेकिन
क्योंकि थर्ड पीरियड में आते ही साइज का फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डाटास भी आपको उसी तरह के सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा साइज से जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका डाटास तो आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और डाटास यानी प्रैक्टिकल के आगे तो हमारी थ्योरी भी बेकार हो जाती है कई बार, तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा खासतौर पे इस जगह। बाकी सब जगह तो हमारी थ्योरी कंसेप्ट बहुत अच्छे से लग रहे हैं। H2O, H2S, H2SE, H2T, H2, यानी यहाँ सेंटर एटम चेंज हो रहा है, यहाँ पर साइज का फर्क नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा और तेजी से डिक्रीज होगा। ये तो आपके 94 ही रह जाएगा। तो यहाँ तो हमारे को मालूम है ड्रेगोज रूल भी लग रहा है और ड्रेगोज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉन्ड एंगल लगभग लगभग 90 के आसपास आ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जाने पर कम होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होगा, सही है। तो यहां से लेके यहां तक आपके पास 5 मैंने एग्जाम्पल लिए। H2O, H2O, F2O, आप जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ेगा, ये लमसम 92 होगा, सॉरी 102 होगा, और ये तो आप जानते हैं 104.5। तो कौन बड़ा है, ये सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होता जाएगा, कम, इनवर्स लिए। और यहां साइज फैक्टर वर्क करेगा, ये लगभग 110 के आसपास आएगा, ये उससे भी ज्यादा जाएगा, सही है। अब बात आती है BF3, BCl3, ये सब रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप है, कोई लोन पेयर नहीं है। हम लोन पेयर बॉन्ड एंगल का डिस्कशन करते कब है, जब लोन पेयर हो या बस लोन पेयर हो। अब यहां पर सब जगह क्या रहेगा, सेम, तो यहां आंसर सब जगह आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। CCl4 यहां पर भी रेगुलर है, सभी जगह सेम है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज फैक्टर वर्क नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात, एक बार और समझाना है पक्का। बेटा देखो ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और मान लीजिए यही कार्बन पे क्लोरीन 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 है, ये फोर्स बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, ये कम है ना, ये ज्यादा है, लेकिन इसमें हर फोर्स ज्यादा है। तो आप सोचिए कि जितना फोर्स मुझे यहां से खींचने को लग रहा है उतना इधर से लगेगा, तो नेट मेट पे कितना लगेगा, कुछ भी नहीं है, वही हाल इसके साथ लग रहा है। इसमें सारे ज्यादा है और इसमें सारे ही कम है, ठीक है। तो ये अपनी डिस्टॉर्टेड शेप में है ही नहीं, ये रेगुलर शेप में रहेगा, और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमारे लिए साइज फैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब लगता है, जब लोन पेयर होता है। तो यहां पर कोई दिक्कत, क्या यहां पर लोन पेयर है सबके पास, हाँ लोन पेयर है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल कम होता है, सेंटर एटम का डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, और सराउंडिंग एटम में डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है साइज फैक्टर की वजह से। CH4 NH3 H2O, लोन यहां 109 डिग्री आप अच्छे से जानते हो, 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पर 107 डिग्री, यहां 104.5 डिग्री, क्योंकि यहां एक लोन पेयर है, यहां दो लोन पेयर है, और लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल क्या होता जाएगा, कम। यहां पर H2O, H3O, NH3, CH4, आप जानते हो ये तो डाटाबेस, पहले मैं लिख देता हूं 105, यहां पर 107, यहां पर CH4 में मैं क्या लिख रहा हूं, 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये तक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो ये 107 है तो ये 108 तो मान ही ले, मुझे नहीं मालूम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट लिख देता हूँ 108। तो अब आप ऑर्डर सबसे पहले क्या लिखेगा, 104 से ये ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ठीक है, बोलो यस और नो। CH4 BF4 माइनस NH4 प्लस, बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, सभी sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सभी में लोन पेयर नहीं है, रेगुलर शेप है,
किसके पास लोन पेयर है? रेगुलर टेट्राहेड्रल है। तो सभी के बॉन्ड एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी के बॉन्ड एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। बी पे माइनस यानी कि कार्बन बन गया, CF4 हो गया। नाइट्रोजन पे प्लस, कार्बन हो गया, CH4 हो गया। तो ये भी CH4 है, ये भी CH4 है, ये भी CH4 की तरह। तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई अच्छे से? एक बार और समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। NH3 और NH4+, ये लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या है? कम है। लोन पेयर आते हैं, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। सेम हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गया। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट, यहां पर साइज फैक्टर वर्क कर रहा होता है फास्फोरस के केस में, बस ये याद रख लेना, और कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन के केस में NH3 और NF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क करता है, लेकिन नाइट्रोजन और क्लोरीन के केस में साइज फैक्टर वर्क करता है। ठीक है, H2O H2SE यहां पर साइज फैक्टर वर्क नहीं करेगा क्योंकि सेंटर एटम है। सेंटर एटम चेंज होने पे साइज फैक्टर वर्क नहीं करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल कम होता है। सेंटर एटम में डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल कम होता है, ये दिमाग में अंदर तक बिठा लो। H2O यहां पर सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो ये बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क करती है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में। और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। इन्वर्सली चलते हैं, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर शेप है, रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर, रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर। तो जब रेगुलर होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? सेम। यहां पर रेगुलर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल सेम होगा। सेंटर एटम डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे, बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? कम होगा। यहां पर लोन पेयर 0 है, 1 है, 2 है, कम होगा। इन दोनों में सिमिलर है। ऑक्सीजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सेंटर एटम का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होती है, और सराउंडिंग में इन्वर्सली। हाँ बोलो बेटा, ये दोनों, इन दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्लस की तो और ज्यादा होगी। सही है भाई, प्लस चार्ज आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि अट्रैक्शन पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर बढ़ेगी। सही है, तो बढ़ेगी तो और ज्यादा हो गई। कोई डाउट? लोन पेयर इसमें कितने है? एक, इसमें भी एक है, तो वो लोन पेयर वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। H2O में और अमोनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे हम, क्या देखेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। लेकिन अमोनिया और H3O+ में हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। कुछ कुछ समझ में आया? तो यहां हमारा आंसर 108 के साथ समथिंग या उस आसपास होगा। कोई अच्छे समझ में आ रही है बात? और यहां पर क्योंकि ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है, तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये आपके लिए हो गए मेरी तरफ से 12 एग्जाम्पल। 6 वाले के अंदर H2 और H2O में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल 1/ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इज दैट क्लियर? और यहां पर हम लेते हैं बॉन्ड एंगल, यहां पर सेंटर एटम है, इन वहां सराउंडिंग एटम जितना ज्यादा होगा पक्का, सराउंडिंग एटम बिल्कुल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सेंटर एटम के साथ देखना है, तो यहां पर प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। सही है, वहां इन्वर्सली चलता है, यहां डायरेक्टली चलता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड एंगल कम होगा। बिल्कुल, वहां पर साइज फैक्टर चलेगा, ये हम लिख चुके हैं।
साइज फैक्टर, यहां पर भी हमारे लिए साइज फैक्टर ही चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो। सही है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इन 12 एग्जाम्पल को अच्छे से घोट लो, इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है।